मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया जी से भी और अपनी बहन आतिशी जी से भी कि हमारा शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो ये बताएं कि जनवरी के महीने में नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का जो नतीजा आया उसमें दिल्ली के स्कूल 32वें नंबर पर कैसे चले गए। ये तो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा, आदरणीय अध्यक्ष जी ये भी बताना पड़ेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि हम टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे, फीस बढ़ा दीजिए, छात्र छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा है उससे फीस दे दीजिए। जरा बताएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको क्या जवाब दिया, आज इस हाउस में जरूर बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कही और फिर यह जानकारी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से आई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जरूर बताएं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे, उसकी जरूर आज मैं उनके माध्यम से जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वोकेशनल ट्रेनर लंबे समय से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए वो मांग कर रहे हैं। आप हरियाणा में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वोकेशनल ट्रेनर्स को 32,000 रुपया सैलरी मिल रही है, हम 16,000 रुपये दे पा रहे हैं, तो आखिर इतनी कम सैलरी में कैसे ठीक ठाक काम चल पाएगा। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इस हाउस में बहुत कुछ कहा गया है, उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया गया है, करना भी चाहिए, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहता हूं कि हमें इस बात का गौरव भी है और हमें गर्व भी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि उन्होंने आदरणीय या पूज्य बाबा साहब की याद में जो पंच तीर्थ विकसित किए हैं मैं जरूर उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। बाबा साहब के जन्मस्थान मध्य प्रदेश महू में यादगार स्मारक का निर्माण किया गया, महाराष्ट्र में इंदू मिल चैतन्य भूमि पर बेहतरीन स्मारक बनाया गया, महाराष्ट्र के ही नागपुर स्थित दीक्षा स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया, दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल पर भी उनका स्मारक बनाया और छात्र के रूप में लंदन में जिस इमारत में उन्होंने में रहे और शिक्षा ग्रहण की वहां भी शानदार स्मारक बनाया और इसी प्रकार दिल्ली के 15 जनपद को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। अध्यक्ष जी, 1990 में जब भाजपा की मदद से नेशनल फ्रंट की सरकार चल रही थी, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न
पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिफारिश पर पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई, सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाई गई, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा की गई। ये कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, या ये सम्मान प्रकट किया है पूज्य बाबा साहब के चरणों में, जिसकी मैं आज यह चर्चा करना चाहता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया जी से भी और अपनी बहन आतिशी जी से भी, कि हमारा शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो ये बताएं कि जनवरी के महीने में नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का जो नतीजा आया उसमें दिल्ली के स्कूल 32वें नंबर पर कैसे चले गए? ये तो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भी बताना पड़ेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि हम टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे, फीस बढ़ा दीजिए, छात्र और छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा है उससे फीस दे दीजिए। जरा बताएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको क्या जवाब दिया, आज इस हाउस में जरूर बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कही, और फिर यह जानकारी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से आई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जरूर बताएं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे, उसकी जरूर आज मैं उनके माध्यम से जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वोकेशनल ट्रेनर लंबे समय से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए वो मांग कर रहे हैं। आप हरियाणा में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वोकेशनल ट्रेनर्स को 32,000 रुपया सैलरी मिल रही है, हम 16,000 रुपए दे पा रहे हैं, तो आखिर इतनी कम सैलरी में कैसे ठीक ठाक काम चल पाएगा?